नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। यमन में फंसे 4000 भारतीय, मोदी ने मांगी सऊदी से मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से टेलीफोन पर बात की और युद्धग्रस्त यमन में फंसे करीब 4000 भारतीयों को अति शीघ्र और सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की अपील की। प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने सऊदी के सुल्तान से यमन में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की, जिस पर सुल्तान ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। एनएसए मुख्यालय के बाहर गोलीबारी, एक की मौत। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के मुख्यालय के बाहर हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार सोमवार को एक वाहन पर सवार दो लोगों ने एन एरुंडेल काउंटी के फोर्ट मीड स्थित एनएसए के मुख्यालय के दरवाजे पर अपनी गाड़ी ठोक दी और उसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार वाहन सवार दोनों लोगों ने महिलाओं की तरह वेशभूषा बना रखी थी। कार से ड्रग्स और एक बंदूक बरामद हुई है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि कार भी चोरी की थी। कोयला घोटाले मामले में ईडी ने जब्त की पूर्व मंत्री की संपत्ति। ईडी ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के आरोपी पूर्व केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव की संपत्ति जब्त कर ली। ईडी सूत्रों ने बताया कि जब्त संपत्ति की कीमत 20 करोड़ रुपए है, जिसमें 50 लाख नकद, तेलंगाना में अचल संपत्ति और लग्जरी कारें शामिल है। मंत्री रहते हुए राव ने जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड का पक्ष लिया था, जिसके एवज में जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड ने राव की कंपनी के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए थे।